नमस्कार मेरा नाम आलोक है आप लाइव स्टीज़ देख रहे हैं आनंद मोहन की बेटे की सगाई खूब धूमधाम से हुई है देखिए पूर्व सांसद आनंद मोहन पेरोल पर बाहर आए हैं और उनके बेटे चेतन आनंद जो कि आरजेडी के विधायक हैं उनकी सगाई समारोह है आज पटना में पटना के विश्वनाथ फार्म हाउस में जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देखिए क्या शानदार ढंग से कैसे बीच तालाब में उस फ्लोटिंग बोट पर कितने भव्य तरीके से इंगेजमेंट सेरेमनी हुई है सगाई समारोह हुई है देखिए शादी भी तीन मई को हिमाचल प्रदेश में होनी है तो ऐसे में तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और देखिए आनंद मोहन बाहर आए हुए हैं चितानंद की शादी है चितानंद की होने वाली पत्नी आयुषी सिंह जो कि वैशाली के राघोपुर के रहने वाली हैं फिलहाल आयुषी का पूरा परिवार पटना में रहता है काफ़ी अरसे से आनंद मोहन के परिवार से ये उनका जो परिवार है वो जुड़ा हुआ है और आ, बताया जा रहा है कि आयुषी एम के बाद एम कर रही हैं वह टेनिस प्लेयर भी रही हैं टेनिस की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कई अवार्ड भी उन्होंने जीते हैं और आनंद मोहन ने अपनी बेटे की शादी खूब धूमधाम से की है ये शादी जो है वो अरेंज मैरिज है आयुषी और चेतनानंद की जो शादी है वो डेस्टिनेशन वेडिंग होने जा रही है और शिवहर से जीत कर आते हैं चेतनानंद आर जे के विधायक हैं और ये जो शादी है वो देहरादून से होगी देखिए देहरादून में पूरी तैयारी कर ली गई है और आ, हर तरह की व्यवस्था जो है वो रखी गई है लेकिन आज जो सगाई समारोह है वो पटना में की जा रही है जहाँ पर खुद लवली आनंद मौजूद हैं उनकी जो बहन है सुरभि आनंद एडवोकेट हैं उनकी भी हाल ही में शादी हुई है हंसराज सिंह से वो भी पहुँची हुई हैं और पूरा परिवार जो है एकजुट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचेंगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आशीर्वाद देने पहुँचेंगे क्योंकि पटना में सिर्फ सगाई समारोह का आयोजन किया गया और एक भव्यता से विश्वनाथ फार्म हाउस पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहाँ पर चिकन मटन और फिश खाने की बहुत सारी वैरायटीज रखी गई हैं मेहमानों के लिए और काफ़ी बेहतरीन ढंग से इस विश्वनाथ फार्म हाउस सजाया गया है खास करके जो वीडियो वायरल हो रहा है कितने बेहतरीन ढंग से देखिए अनोखी ढंग से इस सगाई को कराया गया है हमने चितानंद के बारे में आपको बताया उनकी जो होने वाली धर्म पत्नी है आयुषी सिंह जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं और टेनिस प्लेयर भी रही हैं तो ऐसे में आनंद मोहन ने अपनी बिटिया और बेटे दोनों की सगाई शादी इस साल कर दी आपने देखा फरवरी महीने में उनकी आ, बेटी की शादी हुई और अब अप्रैल महीने में उनके बेटे की सगाई हो रही है चितनानंद जो कि आरजेडी के विधायक हैं इस खूबसूरत लम्हे को कैसे हम इस वीडियो के ज़रिए यादगार बना रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन ढंग से काफ़ी धूमधाम से शादी होगी देहरादून में हमने पहले ही आपको बताया ये डेस्टिनेशन वेडिंग है यानी कि अलग हटकर पूरे परिवार के साथ वहाँ पर बेहतरीन ढंग से शादी समारोह का आयोजन किया जाएगा देखिए इसमें खर्च तो काफ़ी होता है लेकिन खैर खुशियों के आगे खर्च क्या चीज़ है रुपए पैसे कोई बड़ी बात नहीं है रुपए पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन खुशियाँ और परिवार के साथ बिताया हुआ जो लम्हा है वो नहीं कमाया जा सकता है हालांकि अब तो आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया है जब से सरकार ने जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन किया और अब उनकी रिहाई का नोटिफिकेशन भी जब जारी हो गया है तो आप समझ सकते हैं ये बड़ी खुशी है उनके परिवार के लोगों को बेहद खुशी है और ये खुशी जो है वो दोगुनी हो चुकी है बेटे की सगाई भी है आज और आनंद मोहन अब रिहा भी हो रहे हैं नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है लगभग सत्ताईस लोगों को बिहार सरकार ने रिहा करने का आदेश जारी किया है और अब जब आनंद मोहन की रिहाई हो रही है इतने सालों के बाद तो परिवार की खुशियाँ दोगुनी हो चुकी हैं आनंद मोहन देखना होगा इस पर क्या कहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार आपसे थोड़ी देर बाद वहाँ शिरकत करने पहुँचेंगे तो क्या कुछ तस्वीर निकल के आएंगे जिससे हम आपको जरूर अवगत कराएंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें धन्यवाद